नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम लेमन चिकन बनाएंगे, जिसके लिए मैंने ये चिकन लिया है। इसको अच्छी तरह मैंने धो लिया है। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। ये चिकन सारा हमने बाउल में डाल दिया है। ये आधा किलो चिकन है हमारा। अब हम इसमें ये देखो, ये अदरक लहसुन की पेस्ट है जो मैंने घर पे ही बनाई है मिक्सी में पीस के। ये हम इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट डाल देंगे। साथ में हम इसमें ये काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे जो थोड़ा मोटा पीसा हुआ है। साथ में हम थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे। ये थोड़ा सा नमक डालेंगे हम, और ये थोड़ा हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे। और साथ में हम इसमें ये जो दही है, थोड़ा सा हम इसमें दही डालेंगे। इसको हम अच्छी तरह हाथों से मैश करेंगे, ये मसाला इसका अच्छी तरह अंदर तक रस जाए। ये अच्छी तरह इसको हम अच्छी तरह मैश कर लेंगे, और हम इसको 15-20 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे। ये देखो, ये हमने इसको अच्छी तरह मैश कर लिया। इसको मैरिनेट करके अच्छी तरह हम इसको फ्रिज में ढक के इसको फ्रिज में रख देंगे। ये देखो, ये हमने अब फ्रिज में से निकाल लिया इसको। ये जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा था, अब हमने गैस पे कढ़ाई रख दी है जिसमें हमने ऑयल डाला थोड़ा सा, और साथ में हम इसमें ये अमूल बटर डालेंगे ऑयल के साथ ही। अब साथ में ही हमें इसमें सूखे मसाले डाल देंगे, खड़े मसाले, जिसके लिए मैंने ये दालचीनी ली है थोड़ी सी, ये दो थोड़ी छोटी इलायची ली है, और 3-4 हमने इसमें लौंग ली है। हम इसको थोड़ा सा ऐसे हम भून लेंगे इसमें। साथ में ही हम इसमें जो ये हमारा मैरिनेट किया हुआ चिकन है उसको हम डाल देंगे। ये देखो, ये इसमें अच्छी तरह से इसमें सारा डाल देंगे। हमने सारा रखा हुआ था, इसको हम सारे इसमें डाल देंगे। अब हम इसको थोड़ा सा ऐसे रख देंगे जब तक ये थोड़ा सा इसको ऐसे भून लेंगे। थोड़ा सा ऐसे इसको ऊपर नीचे कर देते हैं अच्छी तरह। अभी थोड़ा इसको हम ऐसे ही इसको थोड़ा सा भूनेंगे, ऐसे भूनने के बाद इसको हम थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे इसको ढक के रख देंगे, जिससे ये हमारा जो चिकन है ये अच्छी तरह गल जाएगा। इसको मीडियम फ्लेम कर देते हैं। ये देखो, ये ढक्कन हटा के देख लेते हैं हम इसका। ये देखो कितना पानी छोड़ दिया हमारे चिकन ने। ये देखो, अब साथ में ही हम इसमें ये
ये देखो, ये मैंने शिमला मिर्च काट के रखी हुई थी, ये थोड़ी सी शिमला मिर्च भी डाल देंगे इसमें हम, थोड़ा थोड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा इसमें भी। और साथ में हम थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे, क्योंकि हमने पहले कम डाला था नमक। अब हम इसको अच्छी तरह मिला देते हैं कि ये हमारी शिमला मिर्च जो है ये भी गल जाए अच्छी तरह से। अब इसको हम फिर ढक के रख देते हैं, तब तक ये पानी हमारा ये सारा सूख जाएगा। ये चिकन भी गल जाएगा साथ में, थोड़ा वैसे गल ही गया, देखते हैं थोड़ा सा। ये तो थोड़ा सा सख्त है, थोड़ा सख्त है, थोड़ा ये अभी जो ये पानी है जब तक सूखेगा ही हमारा चिकन भी गल जाएगा। हम इसको मीडियम फ्लेम पे ढक के रख देते हैं। ये देखो, ये ढक्कन उठा के देख लेते हैं, ये देखो हमारा पानी बिल्कुल, चिकन का पानी बिल्कुल सूख चुका है। अब हम इसको हाई फ्लेम कर देते हैं, और साथ में हम इसमें सिर्फ थोड़ी सी ये दो इतनी सी हमने ना इसमें थोड़ी चीनी डालेंगे, और साथ में हम इसमें ये काली मिर्च पाउडर डालेंगे। ये देखो, ये थोड़ा हमने पहले डाला था, और थोड़ा सा हम ऊपर से डाल देंगे, और साथ में हम ये नींबू का जो रस है, तो ये है ही लेमन चिकन, तो इसमें नींबू का तो डलेगा ही ना, नींबू तो। अब हम इसको अच्छी तरह से हाई फ्लेम करके इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं। देखो, ये हमारा ये चिकन बन के तैयार हो गया, तो थोड़ा सा इसको भून लें। इसको नान के साथ खाओ, बहुत टेस्टी लगता है। अब आपको बाहर होटल में जाने की जरूरत नहीं है, घर में ही झटपट बना लो। देखो कितना अच्छा चिकन बना है हमारा लेमन चिकन। साथ में हम इसको थोड़ा सा ऊपर से और थोड़ा सा भून लेंगे इसको। तो देखो सारा घी छोड़ दिया, जो हमने ये बटर में बनाया था, देखो सारा घी छोड़ चुके हैं, ये अच्छी तरह भून चुका है हमारा चिकन। और देखो, देखते हैं इसको गल भी अच्छी तरह ही गया है। देखो हम ये इसको चक्कू से, फिर हम देखो पूरा हमारा आराम से इसको अंदर चला गया, ये हमारे ये पूरा गल गया है। देखो ये हमारा चिकन बन के, इससे हमें पता चल गया कि हमारा ये चिकन बन के तैयार हो गया। ये अच्छी तरह देखो कितना अच्छा भून गया है, कलर देखो कितना अच्छा आया है इसका। थोड़ा मैंने शिमला मिर्च से थोड़ा सा और अच्छा सा देखने में सुंदर लगेगा, थोड़ा शिमला मिर्च तो अपने रोटी के साथ खाना है तो आराम से थोड़े खाया जाता है। ये हमारा चिकन बन के तैयार हो गया है, लेमन चिकन। ज़्यादा देर नहीं लगती इसमें, बस जितना ये भूनने में मैरिनेट करने में जो टाइम लगता है, तो लगता है जल्दी ज़रा। अगर जो आपके घर में कोई मेहमान आ गए हैं, झटपट का अपना बना के सामने रखो, इतना अच्छा देखो चिकन हमारा बना है, लेमन चिकन बन के तैयार हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, और जिसके लिए मैंने देखो ये थोड़े अदरक है जो मैंने पतली पतली काट ली थी, ये भी साथ में इसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे। और साथ में हम इसमें हरा धनिया डालेंगे ऊपर से, हरे धनिया से हम इसका और थोड़ा सा, ये बहुत अच्छा लगेगा। ये अब हमारा चिकन बिल्कुल बन के भुन गया अच्छी तरीके से, कलर भी देखो कितना अच्छा आ गया, लग रहा है कि हाँ भाई हमारा चिकन बन के तैयार हो गया। अब हम इसको सर्व करते हैं। ये देखो, ये हमारी सब्जी बन के तैयार हो गई है, लेमन चिकन बन के तैयार हो गया। अगर जो ये आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।